चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल रिदम खबरों की शुरुआत करन तो पहला एक नज़र मारदे हां कुछ खास हैडलाइनस ते। भुपेंद्र भाई पटेल ने गुजरात के नवे मुख्यमंत्री वजो चुकी सहुं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी वधाई। गुजरात के क्रीक खेत्र विखे चलाई गई तलाशी मुहिम। बीएसएफ के सरहदी तट कोलों तीन पाकिस्तानी मछेरे किए गिरफ्तार। श्री फतेहगढ़ साहब तो सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने लोकसभा च चुकिया इतिहासिक स्थानों नूं जोड़दियां सड़कां दी हालत दा मुद्दा। क्या सड़कां नूं केंद्री राज मार्ग वजों कीता जावे विकसित। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री वजो सहुं चुकन ते भाजपा नेता भुपेंद्र पटेल नूं वधाई दित्ती है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि उन्हां दी अगवाई वाला मंत्री परिषद इस प्रदेश नूं तरक्की दीआं नवीआं उचाइयां ते लैके जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट च कहा, भुपेंद्र भाई पटेल नूं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप च सहुं चुकन ते वधाई। मैं उन्हां सारिआं नूं वधाई देना चाहांगा जिन्हां ने मंत्री अहुदे दी सहुं चुकी है। इह इक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात नूं तरक्की दीआं नवीआं उचाइयां ते लैके जाएगी। सरहदी सुरक्षा फोर्स ने गुजरात च कच्छ जिले के तट ते भारत पाकिस्तान सरहद कोलों क्रीक खेत्र तो तीन पाकिस्तानी मछेरियां नूं फड़िया ते उन्हां दी किश्ती जब्त कर ली है। बीएसएफ ने यह जानकारी दी कि रात भर एक विशेष तलाश मुहिम चलाई गई ते हरामी नाला क्रीक खेत्र तो तड़के तीन पाकिस्तानी मछेरियां नूं फड़िया गया। मीडिया तो मिली जानकारी अनुसार भारतीय खेत्र च मच्छी फड़न वाली पाकिस्तानी किश्ती ते मछेरियां दीआं गतिविधियां दा पता लगन ते बीएसएफ दा गश्ती दल तुरंत मौके ते पहुंचिया ते किश्ती नूं अपने कब्जे च लै लिया। श्री फतेहगढ़ साहब तो सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने अज लोकसभा च बोलदियां केंद्र सरकार तो राहों सड़क दी मुरम्मत करन दी मंग कीती। उन्हें यह भी दस्या कि श्री माछीवाड़ा साहब, श्री झाड़ साहब ते श्री देगसर साहब दे इतिहासिक गुरुद्वारियां नूं जोड़न वालियां सड़कां दी हालत बहुत माड़ी है ते इन्हां दी मुरम्मत कीती जानी चाहीदी है। उन्हां सदन नूं दस्या कि इतिहासिक गुरुद्वारियां नूं जोड़न वालियां सड़कां दी हालत ठीक नहीं है। इस दे नाल ही राहों रोड जो नैणा देवी नूं जोड़दी है उसकी हालत इन्नी भयानक है कि यात्री इसकी वरतों नहीं कर सकते। उन्हां मंग कीती कि केंद्र सरकार उपरोक्त सड़कां नूं केंद्री मार्ग वजो विकसित करे जां केंद्री सड़क फंड तहत पंजाब सरकार नूं लोड़ींदा पैसा जारी करे। मैं अज क्योंकि बहुत बार दस चुके कि मैं उस कंस्टिट्यूएंसी तो आना श्री फतेहगढ़ साहब जिदे साढ़े दसवें गुरु दी छोटे साहबजादे नूं शहीद किया गया सी औरंगजेब दे कार्यकाल च। उत्थे बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस हैगियां ने, सिख श्राइन्स बहुत ज़्यादा ने। सर उन्हां नूं जिहड़ियां सड़कां जा रहियां ने उन्हां दी हालत बहुत खराब है। वो दोवें तरह दियां ने सड़कां, स्टेट रोड्स भी ने, नैशनल हाईवे ने और सीआरएफ च भी आउंदियां ने सड़कां। सर एक राहों रोड है जिहड़ी मेरे सीनियर कुलीग मनीष तिवारी जी दे रस्ते चो हुंदी ही, रोपड़ चो हुंदी नैणा देवी नूं जांदी आ। सर उहदी इन्नी बुरी हालत है कि ना कोई नैणा देवी पहुँच सकदा, ना कोई राहों पहुँच सकता। लुधियाना तो सारा एरिया नैणा देवी जाने लई जिहड़े साडे भरा जाना चाहुंदे उह जांदे आ सर। और पंजाब सरकार ने उहदी प्रपोजल सेंट्रल रोड फंड च भेजी हुई आ। मैं बेनती करना, एक तो इस रोड की बेनती करना चाहुंदा इहनूं प्रायोरिटी ते कीता जावे। दूसरी सर एक रोड हैगी आ जिहड़ी झाड़ साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब आप आए सन, सर उहदी बहुत टुट्टी हालत आ, उह वी पंजाब गौरमेंट सीआरएफ च भेज रही आ। फिर माछीवाड़ा साहब हैगे आ जिथे वह सुते ने जिहड़ा जंगल च रहे ने जी जी। सर देगसर साहब है, बहुत सड़कां दी मेरा तो सुजैशन बहुत वड्डा है। मैं तो यह केंद्र सरकार नूं कहना चाहुंदा कि गुरु गोबिंद सिंह जी और साडे गुरुआं नाल जुड़ियां जिन्नियां जगह हैगियां उन्हां नूं केंद्र सरकार लै ले, चाहे तुसीं नैशनल हाईवे च लै लो, चाहे सीआरएफ च लै लो, उन्हां नूं सारिआं नूं, क्योंकि लोग नैणा देवी नूं लोग जाना चाहुंदे आ, सब जगह जाना चाहुंदे आ। सर सड़कां दी हालत बहुत खराब आ। श्री अजय निषाद जी करके कीता जावे साडा काम।
पटियाला पंजाब तो लोग सभा मेंबर परनीत कौर ने आज लोग सभा सेशन दौरान जरूरी महत्व के मामलों की सुनवाई दौरान किसानों दी मुख मंगा नू संसद अगे रखा। उन्हें कहा कि साढ़े किसानों ने पिछले साल केंद्र सरकार के भरोसे तो बाद अपना अंदोलन वापस ले लिया सी, पर हुण तक उन्हां दीआं बहुतियां मंगां लटक रहीयां ने ते जल्दी तो जल्दी उन्हां दीआं इह मंगां पूरियां होणियां चाहीदियां ने। मैं एक बहुत अहम विषय किसानों के उत्ते गल करना चाहती हाँ। सब तो पहले जो स्वामीनाथन कमीशन सी उहनूं लागू करना चाहीदा है और MSP सारे जिहड़े फसलों के लिए देनी चाहीदी है, पर ये तद लागू करना चाहिए है जब किसानों के नाल गलबात हो चुके। जो किसानों ने कर्जे लिते थे वो सारे माफ करने चाहिए ने। बिजली का बिल जो टेबल किया गया है उसनू फिर रिव्यू करना चाहिए है किसानों के नाल गलबात करके। लखीमपुर खेड़ी दे विच जो बेकसूर किसान अंदर दिते गए उन्होंने रिहा करना चाहिए है और जो उन्होंने उत्ते केस ने वो वापस लिते जाने चाहिए ने जी। जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हैगी है उसनू जरूर लागू करना चाहिए, वह भी किसानों नाल गलबात करके, क्योंकि जैसा मौसम चल रहा है क्लाइमेट चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बाकी जो फॉल्स केस सारे किसानों के उत्ते अंदोलन के टाइम के किए है उन्होंने वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। अज कैबिनेट मीटिंग तो बाद पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान हरपाल सिंह चीमा ने दसिया कि अज की कैबिनेट मीटिंग च पंजाब दे हक च अते पंजाब दे नौजवानों दे हक च कई अहम फैसले ले गए ने। उन्होंने दसिया कि पंजाब पुलिस की भर्ती दौरान नौजवानों लिए साल भर भर्ती करेगी, जिस विच 1800 पोस्टा हर साल भर्ती होया करनगियां। उन्हें भी कहा कि पुलिस च कोई असामी खाली नहीं रहेगी, हर साल 1800 सिपाहियों की भर्ती होगी, 300 सब इंस्पैक्टर की भर्ती होगी, 15 तो 30 सितंबर तक फिजिकल टेस्ट होंगे, हरेक साल जनवरी च शुरुआत ते मई ते जून च इम्तिहान होगा, ते नवंबर च चुने गए प्रार्थियों नियुक्ति पत्र दिते जाएंगे। इस तरह 710 पटवारी भरन का फैसला लिया गया। NCC दियां खाली 203 पोस्ट भरन का फैसला लिया गया। उन्हें कहा कि गैर सिंचाई लई जिहड़े नहरी पानी का इस्तेमाल किया जाता सी उस च बदलाव किया जाएगा। साढ़े जिहड़े बच्चे पंजाब पुलिस भर्ती होना चाहते हैं गे उन्होंने हरेक साल असी हरेक साल उन्होंने भर्ती पंजाब पुलिस कराया करांगे और लगभग 1800 पोस्टा जड़िया ने गियां वो कंस्टेबल दियां सिपाही दियां हरेक साल पंजाब का नौजवान असी अज अनाउंस करते हैं कि 1800 पोस्टा हरेक साल पंजाब पुलिस के अंदर सिपाही दियां कॉन्स्टेबल दियां असी एडवरटाइजमेंट कराया करांगे। उन्हां दी भर्ती प्रक्रिया उस साल च पूरी होया करूगी। इहदे नाल दी नाल सब इंस्पैक्टर दियां 300 पोस्टां हरेक साल एडवरटाइजमेंट होया करनगियां और जिहड़ियां ने उह उस साल दे अंदर अंदर उह पूरियां होया करनगियां। इहदे लई असी एक शड्यूल जारी कीता गा कि हरेक साल सितंबर दे महीने 15 सितंबर तो लैके 30 सितंबर तक फिजिकल टेस्ट होया करूगा, ताकि साडे नौजवान जिहड़े कि चाहे वह देश की फौज दे विच भर्ती होण दी गल करन चाहे पंजाब पुलिस की भर्ती होण दी गल, उन्हां लई समा निर्धारित किया गया कि वह अपनी फिजिकल फिटनेस रख सकन और 15 सितंबर तो लैके 30 सितंबर तक हरेक साल पंजाब पुलिस का फिजिकल टेस्ट होया करूगा और हरेक साल पोस्टा 1800 पोस्टा जड़िया ने गियां वह सिपाहियों दियां और 300 पोस्टा जड़िया ने गियां वह सब इंस्पैक्टर दियां पंजाब पुलिस के अंदर एडवरटाइजमेंट होया करनगियां, इश्तहार जारी होया करूगा और उहदी एक साल के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल होगी। पंजाब सरकार वल्लों अज हलका नाभा दे पिंड थूही विखे जन सुविधा कैंप गुरदेव सिंह देवमान MLA नाभा की अगवाई विच लगाया गया, जिस विच लोकां दी सहूलत लई सारे विभागों के अधिकारियों ने लोगों दीआं मुश्किलां दा हल मौके ते ही कीता। विधायक देवमान ने पत्रकारां नाल गलबात दौरान दस्सिया कि पंजाब दे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री वल्लों लोगों की भलाई लई सारे पिंड च इह कैंप शुरू किए गए हैं, जिस नाल लोगों नूं विभागों के दफ्तरां च जाण दी लोड़ नहीं पैणी, सारे काम कैंपा राही पिंडा विच ही किते जाणगे।
अज विधानसभा नाभा के तूही पिंड जन सुविधा कैंप जिहड़ा कि असीं हरेक महीने एक पिंड चलाउने और तकरीबन 8-10-15 पिंड कवर करते हैं। ये कैंप जिहड़ा इहदे विच अलग अलग डिपार्टमेंट जिवें मनरेगा स्कीम के तहत किसी का कार्ड नहीं बनिया, शगन स्कीम किसी ने अपलाई की है पैसे नहीं मिले या नवा अपलाई किसी ने करना, और इस तो अलावा आधार कार्ड की कोई समस्या वो राइट वे ठीक करनी है, तो कच्चे घर के जिहड़े पैसे ने जी जिन्हें अपलाई किया है या नवा अपलाई करना उन्होंने वास्ते पूरी जानकारी, और इस तो अलावा खेती ने संबंधित अलग अलग जिहड़ियां ने स्वै रोज़गार योजना तहत मच्छी पालन अलग अलग किस्म के धंधे ने जिदे विच तुसी अगर आओगे तो सरकार बहुत वड्डी सबसिडी दे रही है, तो अंदर मैडिकल का कैंप भी चल रहा जी, अखां की बहुत वड्डी प्रॉब्लम है और अखां की जिहड़ी है प्रॉपर टैसटिंग हो रही है जिहदे लैंज पैण वाले लैंज दा ऑपरेशन होना ऑपरेशन, और यह सरकार वल्लों बिल्कुल मुफ्त है जी, वो भावें करवावे सरकारी हस्पताल जी भावें करवावे प्राइवेट च, पूरा पूरा जिहड़ा खर्चा वो सरकार जिहड़ी है वो प्रोवाइड करेगी। 13-13 मिशन वालों माता गुजर कौर जी ते छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह बाबा जोरावर सिंह जी दी शहादत नू नमन करन लई शुरू कीते समागमां दी लड़ी तहत पहले दिन संगत नू सफरे शहादत यात्रा करवाई गई। चंडीगढ़ दे सैक्टर 34 विखे स्थित गुरद्वारा श्री तेग बहादुर साहब तो आरंभ हुई इस यात्रा जरिए 1000 दे करीब संगत नू उहना गुरुधामां दे दर्शन दीदारे करवाए गए, जिथे छोटे साहबजादियां ते माता गुजर कौर जी ने परिवार नाल विछड़न तो बाद शहादत तक दे दिन बिताए सन। इस यात्रा दौरान हरजीत सिंह सबवाल ने कहा कि साडा मुख मंतव खुद दे अपने बच्चियां समेत नवी पीढ़ी नू अपनी विरासत ते इतिहास नाल जोड़ना है, तां जो धर्म ते विरसे तो विमुख हो रही साडी नौजवान पीढ़ी अपने अमीर विरसे ते इतिहास दीआं जड़ां नाल मजबूती नाल जुड़ सके। दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहबजादियां ते माता गुजर कौर जी दी अदुत्ती लासानी शहादत नू समर्पित श्री फतेहगढ़ साहब विखे 26 दिसंबर तो 28 दिसंबर तक लगन वाले सालाना 3 रोजा शहीदी जोड़ मेले मौके वख-वख पंचायतां सभा सोसाइटियां नू लंगर लगाउण लई जगह दी अलाट करन लई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों अज गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे मीटिंग कीती गई। इस मौके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर अकाली दल दे नुमाइंदियां समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों वालों शमूलियत की गई। इस मौके पर विशाल एकत्रता संबोधन करदिया श्रोमणी कमेटी के मैंबर करनैल सिंह पंजोली जिला अकाली दल के प्रधान जगदीप सिंह चीमा गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब के हैड ग्रंथी भाई हरपाल सिंह ने श्रोमणी कमेटी वालों लंगर कमेटियां अपील करदिया कहा कि शहीदी जोड़ मेले मौके सादे पकवान ही बनाए जान ते होर मिठी चीज़ लड्डू जलेबियां आदि वरतों तो गुरेज किया जाए। अमृतसर बस स्टैंड के बाहर उस समय एक भयानक हादसा वापरिया जदों एक पन बस के ड्राइवर ने एक औरत नू बस के हेठां दे दिता, जिसके चलते बस हेठां आने के नाल औरत की मौके पर ही मौत हो गई ते मौके तो ड्राइवर भी फरार हो गया। जानकारी मुताबिक औरत पंडोरी वड़ैच अमृतसर की रहने वाली सी ते बस स्टैंड तो रामबाग वाल जा रही थी कि पिछों की पन बस की सरकारी बस बड़ी तेज रफ्तार नाल आई ते उसने टक्कर मार दी ते उसनू हेठां दे दिता, जिसके चलते उन्हां दी मौके पर ही मौत हो गई ते बस ड्राइवर बस छड के फरार हो गया। मृतक दे परिवारक मैंबरां ने पुलिस प्रशासन कोलों इंसाफ दी मांग कीती है। उत्थे ही थाणा बस स्टैंड दी पुलिस चौंकी दे अधिकारी कुलवंत सिंह ने दस्या है कि असी लाश नू कब्जे विच लै के पोस्टमार्टम लई भेज दिता है ते बस ड्राइवर दे खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दिती है। फिलहाल पंजाबी न्यूज़ दे इस बुलेटिन विच इन्ना ही, होर खबरां नाल जल्द हाजिर होवांगे, पर जाण तों पहलां इक नज़र मौसम दे हाल दे उपर।